नमस्कार दोस्तों, वीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसानों का मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्माता नजर आ रहा है। चारों ओर जिस तरह से दिल्ली को घेरा हुआ है किसानों ने, तो ऐसा ही वाकया आज हमें मिला गाजीपुर बॉर्डर पर देखने का। क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से काफ़ी तादाद में किसान आए हैं, और कल रात आपने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने बैरिकेड तोड़ा हुआ है। जो मेरठ का जो बैरिकेड लगता है, यानी कि जो टोल प्लाजा लगता है, उसके सारे बैरिकेड तोड़ करके वो दिल्ली की ओर कूच किया उन्होंने। और आज जब दिल्ली पहुंचे, तो आइए आपको दिखाते हैं वहां पहुंचने के बाद किस तरह का नज़ारा रहा, और राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं वो कितने खुश नज़र आए, और उन्होंने फिर से चेतावनी दे डाली सरकार को। फिलहाल हम मौजूद हैं किसान क्रांति गेट गाजीपुर बॉर्डर, और आज काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और आज आप दिखाते हैं आपको गाजीपुर बॉर्डर का हाल, जिसको कई बार ये भी प्रचलित किया जाता है कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कितने किसान यहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरह से मीडिया द्वारा नेगेटिव प्रचार किया जा रहा है, उसी के लिए आपको आज गाजीपुर बॉर्डर का हाल दिखाने के लिए निकले हैं। और गाजीपुर बॉर्डर पर आप जिधर भी देखते हैं, उधर किसान ही किसान हैं। इसलिए आज हम गाजीपुर बॉर्डर से लाइव हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से कितने वाहन यहाँ मौजूद हैं, और चारों तरफ किसान ही किसान में है गाजीपुर बॉर्डर। काफ़ी धूप यहाँ पर रहती है, उस तरह के साधन नहीं हैं, जगह की बहुत कमी के कारण किसानों को धूप में भी रहना पड़ता है। यहाँ से ले लो, संयुक्त मोर्चा हमको अलग अलग है, ये इस समय सब जगह हमारे पास राकेश टिकैत जी हैं। और जिस तरह से एक दुष्प्रचार मीडिया द्वारा किया जा रहा था कि
गाजीपुर बॉर्डर पर संख्या नहीं है, आज तमाम किसान ही किसान यहाँ पे महीनों से नजर आ रहे हैं। तो आपने ये कहा था कि ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ खड़े कर लें, लेकिन किसान तो ट्रैक्टर लेके दिल्ली ही चल दिए। हाँ, दिल्ली चल दिए क्योंकि 26 तारीख है, उन्हें 26 तारीख वो भूलना नहीं चाहते और ना भारत सरकार भूले 26 तारीख हर महीने आवे, ना सरकार भूले ना ये ट्रैक्टर भूले।